वेलकम स्टूडेंट्स, सेवेंथ ग्रेड का हम इंटीजर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी, और उससे पहले हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन एंड अदर डेफिनेशन होल नंबर इंटीजर्स के बारे में बात करी थी। सब वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। हमारे चार ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्लोजर का मतलब क्या है वो, क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर हम दो कोई भी इंटीजर्स लें, क्योंकि अभी हम इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इंटीजर्स का जो सिंबल होता है वो होता है जेड, जी भी बोलते हैं कई बार। तो हम कोई भी दो इंटीजर्स को लें और प्लस करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इंटीजर आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एक इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक इंटीजर आना चाहिए। सिमिलरली डिवाइड करें और एक इंटीजर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम बोलेंगे यस, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर नहीं आता तो हम लिखेंगे इट इज नॉट क्लोज्ड। इट इज मतलब इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। उम्मीद करता हूँ क्लोज्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। अभी हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, हमने ये सेम प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिक्स्थ क्लास में होल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। एट्थ क्लास में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। तो प्रॉपर्टी का क्रक्स समझने की कोशिश करो। अगर रैशनल नंबर की बात करेंगे तो हम करेंगे रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर शुड गिव रैशनल नंबर। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। तो आप खुद बताओ लॉजिकली क्या वो क्लोज होगा एडिशन के लिए। आंसर है यस, बिकॉज कोई भी दो इंटीजर्स को आप ऐड करो आपको इंटीजर्स मिलेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर मिलेगा? यस, आपको कुछ और नहीं मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन के दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या इंटीजर मिलेगा? यस, कोई भी आप दो ले लो तो इसके अंदर यस होगा। डिवीजन में नो, मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं ले लूं 5 / 3, 5 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, चलो थोड़ा सा इजी नंबर ले लेता हूं, सपोज कर 2। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2.5, जो कि एक डेसिमल है, इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। तो इस केस में अगर आपको कोई भी एक एग्जांपल मिल जाए कि आपको वो इंटीजर ना दे, तो इसका मतलब क्या है, वो क्लोज्ड नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तरफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम हमारे पास चार ऑपरेशंस हैं, हम चारों ऑपरेशन के साथ चलेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। पहले हम समझ लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स का मतलब क्या है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स का मतलब है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं जेड, मान लेते हैं Z1, Z2, कोई नंबर ले लेते हैं इजी के लिए, 3 + 4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 3 + 4? यस, यू आर राइट, 7। और अगर मैं 4 + 3 करूं तो भी आएगा 7। तो इस क्रॉस को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम दो नंबर्स को इंटरचेंज कर दें उसकी पोजीशंस, Z2 + Z1,
तो क्या आंसर सेम आ रहा है? इफ पहला केस z1 z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 तो यस हो जाएगा। अगर सेम चीज अगर हम कर सकते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, उम्मीद करता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया होगा। तो चेक कर लेते हैं बाकी सारे के लिए कि क्या वो यस है या नो है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं एडिशन के लिए, वो तो हमने देख लिया था कि वो आंसर क्या है, यस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका आंसर आ गया यस। सब्ट्रैक्शन, कैन यू गेस? देखो कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है वैल्यूज इनपुट करके देखो, प्रैक्टिस मतलब ट्राई करके देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखो। सब्ट्रैक्शन, सपोज करो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, बट 2 माइनस 3 आंसर क्या है -1, तो मतलब ये दोनों क्या है नॉट इक्वल। तो इसका मतलब इंटीजर्स डज नॉट हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो। मल्टीप्लीकेशन, कैन यू गेस कि मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा? एक इजी एग्जांपल, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 6, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आया यस। डिवीजन इजी है, ट्राई योरसेल्फ, 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 1.5, बट 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या 1.5 होगा? नहीं होगा। तो बस वो आपको इमेजिन करना है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है प्रूव इट तो आप सॉल्व करके दिखा दो, तो आंसर इसका क्या आ गया नो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि आपको कोई 3 नंबर्स दे देंगे, सपोज 3, 4 और 5। अब वो कह रहे हैं कि उसके अंदर एडिशन करो। एसोसिएट का मतलब हो गया वी हैव टू एसोसिएट बिटवीन टू। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, आखिरी दो को पहले करेंगे। याद रखिए हमारा ब्रेन जो होता है या कंप्यूटर भी होता है, एक टाइम पे 2 इन्फॉर्मेशन लेता है, बिट्स, 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जोड़ता है साथ में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या करती है, कोई भी 2 इन्फॉर्मेशन को साथ में जोड़ने की कोशिश करती है। तो हमें चेक करना है कि क्या हम कोई भी 2 इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं साथ में, या उनकी पोजीशन चेंज करने पे आंसर डिफरेंट आएगा। तो चेक करते हैं पहले एडिशन के लिए। तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 इज व्हाट 12। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 5 इज 9 प्लस 3 इज व्हाट 12। तो एडिशन के केस में तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, हम कह सकते हैं इन केस ऑफ एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो इसका मतलब यस, होल्ड्स का मतलब क्या हो गया कि इट इज प्रूविंग कि आप कोई भी ऑर्डर में उसको ऐड करो तो आंसर सेम आएगा। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं। सो मैंने सेम एग्जांपल ले लिया है 3 माइनस 4 माइनस 5। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ और फिर मैं इन दोनों को, लेट्स सी 3 माइनस 4 इज -1 माइनस 5 इज -6। यहाँ पे चेक करते हैं तो पहले बोर्ड मास रूल की वजह से क्या होता है, बोर्ड मास रूल का जो होता है, बोर्ड मास रूल की वजह से हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट वाले को, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 -1 --3। तो इसका मतलब क्या 3 प्लस 1 इज 4, क्या आंसर सेम आ रहा है? आप भी बता सकते हैं नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ इजी लग रहा होगा, ज्यादा टफ नहीं है।
अभी मैं एट द एंड, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी बता दूं, एट द एंड आपको बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पर है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान डाल देते हैं। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 12 इंटू 5, 5 इंटू 10 15, इंटू 2 10 60 हो गया आंसर। ओके, 5 इंटू 4 20 मल्टीप्लाई बाय 3 is 60, आंसर यस आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आंसर यस आया, तो इसका मतलब यहाँ पर हम यस लिख देते हैं। इन केस ऑफ डिवीजन, हम यहाँ पर डिवीजन का निशान डाल देते हैं और सेम ब्रैकेट्स। ओके, सो 3 डिवाइडेड बाय 4, नो, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4, और डिवाइडेड बाय 5 बाय 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5, तो 3 अपॉन 20, हमें सेम आंसर चाहिए। देखते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 4, तो 15 बाय 4 आ रहा है। क्या ये सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, इट इज नॉट क्लोज्ड, और यू कैन से इट डज नॉट होल्ड अंडर डिवीजन फॉर इंटीजर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते क्यों हैं, इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो हम नॉर्मली इसके अंदर बात करेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। पहले मैं बात कर लेता हूँ एडिशन के बारे में। हमें पैटर्न पता होना चाहिए, 1 प्लस 9 10 होता है, 2 प्लस 8 10 हो गया, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 6 10 एंड 5 प्लस 5 10। बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होती है हमारी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। कैसे? अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूँ, 23 प्लस 15 प्लस 7, तो हमें पहले कौन से दो नंबर्स को ऐड करना चाहिए, क्वेश्चन वो उठता है। तो हम इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हमें पता है कि 1 3 प्लस 7 इज 10, तो हमें इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड करना चाहिए। 23 प्लस 7 इज व्हाट, 30, 30 प्लस 15 विल गिव यू 45। तो इस तरीके से जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो हम ज़्यादातर जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ये चीज़ें होती है यूज़, बट नॉर्मली हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जल्दी से मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम कोशिश करते हैं अगेन जीरो बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं उस केस में, 2 इंटू 5 10 होता है, 2 को डबल करो, 4, 5 इंटू 5 25, आपका 100 होता है। अब यहाँ पे और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो 8, यहाँ पे और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करो 125, आपका 1000 होता है। इसी तरीके से पैटर्न चलता रहता है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। अगला क्या होगा, 16, यहाँ पर होगा 625, और 10,000 आपका आंसर हो जाता है। तो आप ये 4 भी याद कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी। एज अ 7th ग्रेड स्टूडेंट आप बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर कर पाओगे इस बस, और अपने मैथ्स को आप इम्प्रूव होता हुआ देख पाओगे। बिकॉज मैथ्स में हम स्ट्रगल कहाँ करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। बड़े बड़े नंबर मिल जाते हैं तो हम ऐसे घबरा से जाते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सपोज ये है,
तो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होता है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरीके से करते हैं। बट आपको अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो आपको पता है किसको किससे एसोसिएट करना है। तो 25 इंटू 4 करोगे, हमें अभी पता है कि 25 इंटू 4 100 होता है, तो 100 इंटू 3 इज 300। तो मैथ्स में ये सारी की सारी क्या होती है, ट्रिक्स की तरह यूज हो जाती हैं। तो हम ट्रिक्स नहीं है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके और अच्छे ढंग से आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस फील होगा आप अच्छा करोगे मैथ्स के अंदर। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ। तो एडिटिव आइडेंटिटी में एक बहुत ही बेसिक टर्म यूज हो रहा है, आइडेंटिटी। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आप जो हो वही आइडेंटिटी है। अगर मैं 5 की आइडेंटिटी पूछूं, 5 की आइडेंटिटी 5, 6 की आइडेंटिटी पूछूं, 6। उसके अंदर दूसरा वर्ड है एडिटिव। क्वेश्चन है एडिटिव आइडेंटिटी। सो क्वेश्चन आपका यह है कि व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड, व्हाट शुड आई ऐड टू कीप द नंबर्स आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? आप बताओ मैं 5 के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे पे 5 आ जाए, 6 के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे पास 6 आ जाए। बहुत ही बेसिक आंसर है, आपको मुझे बताना है और वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे, मैं भी आपका आंसर नहीं बता रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे वो आंसर है, एडिटिव आइडेंटिटी इज दैट आंसर। तो मैंने आपको सारे हिंट दे दिए हैं, आपको क्या करना है, बताना है कि हम क्या ऐड करेंगे। कमेंट सेक्शन में सब बच्चों को बताना है, सिर्फ लाइक नहीं करना एक दूसरे के आंसर्स को। नेक्स्ट आ जाता है इसी के जैसा, मैं एक बीच में छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अभी मैंने आपको ये चीज समझा दी कि आइडेंटिटी का मतलब सेम चीज, मैं 5 के अंदर 5 कैसे लेकर आऊंगा, 6 के अंदर 6 कैसे लेकर आऊंगा, लेकिन अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताओ कि 5 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर सेम आ जाए, और 6 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 6 आ जाए। तो सेम आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। फिफ्थ टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ओके, तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, अगर मैं कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय जीरो करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, चाहे वो नेगेटिव नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है, जीरो होगा, चाहे वो डेसिमल नंबर ही क्यों ना हो, जीरो, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो, एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, ठीक है, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो, मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, बहुत ही प्यारा होगा। तो आप किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई बाय जीरो, मतलब बैंग करा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर जीरो होगा, अगर उनमें से एक भी नंबर जीरो हो गया तो। हाँ, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो भी जीरो होगा। तो किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई बाय जीरो कराओ तो आंसर क्या हो जाता है, जीरो। लास्ट हमारा बचता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा, बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेजर टॉपिक है। 6th क्लास में भी आपको बहुत परेशान करता था, तो मैं क्या करूंगा, 6th क्लास से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो आपको ये वीडियो 6th क्लास की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और 7th में भी मिल जाएगी और 8th में मिल जाएगी।
देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके दोनों एस्पेक्ट से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है इसके अंदर, ठीक है, और साथ में आपकी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ्स आपको और अच्छे करनी है, आपको कैलकुलेशन इम्प्रूव करनी है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जरूर आनी चाहिए। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करो, और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।